69,000 शिक्षक भर्ती में उत्तर कुंजी वाले मामले से संबंधित अभ्यर्थियों के लिए और 6,800 आरक्षण वाले मामले से संबंधित अभ्यर्थियों के लिए, दोनों के लिए बड़ी खबर है। 69,000 में 6,800 मामले पर गुड न्यूज है और आंसर की मामले पर महत्वपूर्ण सूचना है। दोनों चीजें देखेंगे, उससे पहले इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिए इस भर्ती की हर एक लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। पहले दोस्तों बात कर लेते हैं 6,800 आरक्षण मामले पर। देखिए कल की सुनवाई हुई थी, वहां पर नई तारीख मिली है, मैंने आपको सभी को बता दिया है, ठीक। लेकिन नई तारीख पर क्या होगा वो भी मैंने आपको बताया है, लेकिन उसकी ऑफिशियल अपडेट आ गई है। इससे आपको बड़ी खुशखबरी इसलिए है कि अब आपका जो मामला है वो अंततः समाप्त होने वाला है। विवेक चौधरी वाला ये मामला है, मनीष कुमार देख सकते हैं, बेंच आई डी देख सकते हैं 3219, ठीक है। केस यहाँ पर आप देख सकते हैं लिस्टेड किया गया है और इसमें आप देखेंगे कि ये जो ऑर्डर है ये 3/8/2023 को जो सुनवाई हुई थी 4:05 के लिए, उसमें इस मामले को लिस्ट किया गया था, ठीक है। जहां पर क्या बताया गया है कि इसमें डेट को जो है दोस्तों वो फिक्स कर दिया गया है टॉप 10 केस के अंदर इस मामले को फिक्स कर दिया है। अब जो अगली सुनवाई होनी है वो टॉप 10 के अंदर मामला रहेगा और जहां पर लगभग 2-3 घंटे का समय मिलने वाला है और सरकार अपना पक्ष रखते हुए इस मामले को निस्तारित करवा सकती है, ऐसी बड़ी अपडेट है। आप कमेंट करके बताएं क्या हो सकता है, आप क्या सोचते हैं। अब दोस्तों आपको बता दें आंसर की प्रकरण वाले में अपडेट आ चुकी है। आंसर की प्रकरण में 1,000 अभ्यर्थियों के आसपास सबको जो नियुक्ति मिलनी है वो सरकार आनाकानी कर रही है, अधिकारी आनाकानी कर रहे हैं आयोग को लेकर, वाण्य चीजों को लेकर। तो इसीलिए 8 अगस्त 2023 दिन मंगलवार को स्थान SCERT लखनऊ निषादगंज पर समस्त उत्तर कुंजी के जो अभ्यर्थी हैं उनको उपस्थित होना आवश्यक है, उनको बुलाया गया है। तो जो भी आप समस्त अभ्यर्थी हैं अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो जरूर उपस्थित हों, क्योंकि इस दिन यहां पर सभी लोग एकत्रित होंगे और अधिकारियों से मांग की जाएगी कि 6,800 मामले में थोड़ा सा अगली डेट मिली है, आगे समय बढ़ाए, इसलिए उससे पहले आप हम लोगों को नियुक्ति दे दें जो कि यहां पर छात्र हैं जिनके लिए आदेश हुआ है। तो इसलिए आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में उपस्थित हों ताकि जो नियुक्ति का रास्ता है आंसर की मामले में, उत्तर कुंजी मामले में, वो आप सभी का निस्तारित हो सके। ये दोनों लेटेस्ट अपडेट थी, उम्मीद है पसंद आई होंगी। आगे लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।